आदाब सत श्री अकाल। आज आपके साथ आपका भाई रितेश दोबारा से एक बहुत ही ब्रिलियंट शख्सियत के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं हूँ उड़ीसा के ब्रह्मपुर, उड़ीसा में ब्रह्मपुर जिसको बहरमपुर भी बोलते हैं ना सर। हाँ जी। और मैं जिस सर के साथ में खड़ा हूँ, सर खुद बताएंगे, आप लोगों से मुखातिब होंगे कि सर की ये जो आप जर्नी देख रहे हैं, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और सर पहले क्या करते थे। सर नमस्ते। आज सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हम लोगों का, वाटर डेकर्स का जो ऑफिशियल चैनल है, वाटर डेकर्स जागो किसान जागो। और ये बिहार वाटर डेकर्स का सर एक ये एक संकल्प रहता है कि हम अपने व्यूअर्स को एक अच्छे शख्सियत से हमेशा रूबरू कराए सर। तो सर अपना काइंडली अपना गुड नेम बताइए सर। सर मेरा नाम प्रद्युम्न जना है। प्रद्युम्न जना जी, प्रद्युम्न जी, वेरी गुड सर। सर आपने शुरुआती एजुकेशन आपकी सर कहाँ से हुई? मेरा यही बहरमपुर में ही। यही बहरमपुर में सर इंजीनियरिंग खत्म हुआ मेरा। यस सर। उसके बाद मैं बैंगलोर में था। यस सर। बैंगलोर में आईटी में था, फिर आफ्टर लॉकडाउन में इधर आ गया। मीन्स आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेशे से हुए सर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप पेशे से हुए, और ये जब ये कोरोना काल जो चल रहा था उसके बाद में, उसके बाद आपने जो है मीन्स आपने जॉब खुद से छोड़ी सर, या कोई कंपनी का कोई प्रॉब्लम सर ऐसा कुछ जैसे बोलते हैं? ऐसा दोनों तरफ से, दोनों तरफ से मीन्स सेचुरेट हो गया सर पूरा मार्केट। तो आपने कहा कि ज्यादा अच्छा हम किसी की नौकरी करने से ज्यादा अच्छा है कि हम खुद का अपना बिजनेस मॉड्यूल शुरू करें। वेरी गुड सर, बहुत काबिले तारीफ सर। तो सर ये जो हम बायोफ्लॉक का देख रहे हैं सर, पूरा सिस्टम आपका, ये करीब कितना टैंक का सर आपने बनाया? ये मेरा 15,000 लीटर का एक टैंक। ये सर 10 टैंक मैंने सेटअप किया हुआ। मीन्स 15,000 लीटर का सर एक टैंक आपने बनाया। हाँ। जो यहाँ पे टोटल मिला के 10 टैंक। हाँ। एक टैंक की कैपेसिटी जो 15,000 लीटर की है सर। तो ये आपका कौन सा कल्चर चल रहा है सर? ये मेरा अभी पंगेशियस का चल रहा है। पंगेशियस का कल्चर चल रहा है सर। इससे पहले भी कोई कल्चर आपने लिया सर? इससे कल्चर में वेनामी का था। वेनामी का था। तो वेनामी का जो एक्सपीरियंस है सर, वो पहला कल्चर के बाद अब का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो तो आपने वाजिब है कि काफी कुछ आपने सीख लिया होगा। मेरा कल्चर वेनामी का विंटर में था। यस सर। इसीलिए तो बहुत दिक्कत आया, विंटर में होने की वजह से काफी दिक्कत आया सर। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली सर फिशरीज की? प्रॉपर एग्जैक्टली ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं, कहीं से नहीं ली। इधर से कई फार्म घूम के नॉलेज गेन किया। मीन्स आपने लेकिन सर्वे बहुत किया। आपने बहुत आरएनडी भी, आरएनडी आपने बहुत किया। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मीन्स एक आपके तरफ से मैं ये भी समझू सर कि जो हमारे नए लोग जो इस बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, मीन्स चाहे बायोफ्लॉक हो या मतलब फिशरी में आना चाहते हैं, उनको आरएनडी जरूर करनी चाहिए। जरूरी है सर। वेरी गुड सर। विदाउट आरएनडी आप इसमें घुस नहीं सकते। विदाउट आरएनडी आपको घुस नहीं सकते आप इसमें, और घुसना चाहिए भी नहीं। मीन्स आपको नॉलेज चाहिए, चाहिए आपको आरएनडी जरूर करना है कि फिशरी होती कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए और कैसे ग्रो कैसे होता। हाँ, प्री मैनेजमेंट एंड पोस्ट मैनेजमेंट सब कुछ होना चाहिए। वेरी गुड सर। ये हम अपने व्यूअर्स से हमेशा बोलते हैं कि चाहे आपका बायोफ्लॉक हो, चाहे आपका आरएस हो, चाहे आपका तालाब हो, कुछ भी जिससे भी आप मछली पालन करने जा रहे हैं, तालाब की तैयारी या बायोफ्लॉक की तैयारी, हर चीज की पानी की तैयारी होनी बहुत जरूरी है सर। और एक बात, YouTube देख के मत घुसिए। ये एक सबसे बड़ी बात सर ने कही है कि आज जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हमारे YouTube पे खुल गई हैं,
जिनको शायद बुरा ना मानिएगा, मछली भी नहीं पकड़े होंगे वो भी सर, बहुत बड़े बड़े चैनल वाले हैं, तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन हाँ हम अपने व्यूवर्स से अपने इनसे बोल सकते हैं कि भाई आप यूट्यूब देख करके कम से कम इस फील्ड में मत आइए। हाँ इसको आप जाइए किसी के फार्म में रुकिए, उससे थोड़ा नॉलेज लीजिए, वहाँ पे काम कीजिए। यस, विदाउट फीस कुछ भी। आप अगर खुद का फार्म सेटअप करना चाहते हैं तो दूसरों के फार्म में जाइए, उनसे नॉलेज मिले। मतलब कि अगर हम शॉर्ट में कहें सर कि अगर दवाई की दुकान आप चालू करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 महीने आप उस एक मेडिकल स्टोर में नौकरी कर लीजिए, आपको मालूम चल जाए कि कौन सी दवा, ये बिजनेस होता कैसे है। तो आप जब अपनी मेडिसिन स्टोर खोलेंगे या फिशरी में आप आएंगे तो आप कामयाब बनेंगे, अपने पैसे आप बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी हार्ड मनी बर्बाद आप नहीं करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। अगर फिर भी एक कल्चर में आप सक्सेस नहीं होते तो हिम्मत मत हारिए कि दोबारा ट्राई कीजिए। यस सर, अगर एक कल्चर आपका खराब जाता है या आप एट पार भी जाते हैं, वो समझ लीजिए कि आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आपने लिया। तो सर ये जो टैंक आपने बनाया सर, तो इसमें सर जैसे आपको राज्य सरकार की, उड़ीसा गवर्नमेंट की या भारत सरकार की कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिली होगी सर, या मतलब कुछ प्रोसेस में होगा सर? अभी मेरा अंडर प्रोसेस है सर। मतलब मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना का, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत में हमारी ये उड़ीसा गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे उड़ीसा के हमारे व्यूवर्स ध्यान दें कि अगर वो चाहें तो इस योजना का लाभ लेकर के हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट एक बहुत ही शानदार योजना चालू की है। जिस प्रकार से केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी तरीके से हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने योजना चालू कर रखी है, उसका जरूर आप लाभ जरूर उठाएं। और ये मिलती है किसानों को। तो सर योजना लेने में कोई बहुत दिक्कत तो हुई नहीं होगी, डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रही होगी, डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रही है और प्रोसेस में है, तो मिलेगा ही, वो जल्दी में ही मिल जाएगा। तो कुल मिला जुला करके ये है लब्बो लबाब कि सर ने अपना पेशा बनाया फिशरी को। सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, देखिए हम कहते हैं ना कि डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, और हमारे सर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाते थे, नौकरी की इन्होंने और करके इनको सबसे अच्छा पेशा लगा मत्स्य पालन, और मत्स्य पालन में सर अपना करियर बना रहे हैं। और हम जैसे लोगों को भी एक सुझाव दे रहे हैं कि भाई ये काम को बदनाम मत करो, शुरू करने से पहले R&D जरूर कर लो। R&D करो, किसी फार्म पे जाके मत पैसा मिले आप महीना दो महीना नौकरी कर लो, मैनेजर बन जाओ वहां पे, बट आपको बजने से पहले बूझना बहुत जरूरी है। तो खैर हम आए हैं उड़ीसा के टूर पे और आज टूर का हमारा पहला दिन है, और पहले दिन में हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे होनहार किसान भाई से हमारी मुलाकात हुई। हमें इंजीनियर साहब कहने से ज्यादा अच्छा किसान भाई कहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों की कम्युनिटी एक है। आप भी हमारी कम्युनिटी में शामिल हो, लेकिन पहले बूझिए तब बजिए और इस व्यवसाय को सफल बनाइए। जागो किसान जागो, जागो किसान जागो। तो हमारा फार्म विजिट करके कैसा लगा? मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ अपने व्यूअर्स को भी कि सर का फार्म बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। ये दूसरा कल्चर है, मैंने बहुत सारे बायोफ्लॉक यूनिट्स मैंने घूमे हैं, वो मैनेज नहीं रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कि ये दूसरा कल्चर है सर का, बहुत ही अच्छा सर का एक वर्किंग स्टाइल है, और छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं उनसे तो रोज का सामना करना है। फिशरी में तो रोज सीखना है, दिक्कतें आएंगी, फेस करेंगे और सफल बनेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो जोश जो होता है ना शुरुआत काम में, उस जोश को हमेशा मेंटेन रखना है, और यही सर ने किया है। हिम्मत मत हारिए, अपना जोश हमेशा बनाए रखिए। ऊपर नीचे तो अप्स एंड डाउन्स एवरी टाइम कम्स होता है, चलता है, इसका टेंशन नहीं लेने का है। आइए समझिए, पानी से बात कीजिए, पानी को पहचानिए, उसमें मछली से रूबरू होइए, क्या जरूरत है, कौन सी मेडिसिन हमें कब यूज करनी है। रोग लग जाने के बाद दवा देना कोई बड़ी बात नहीं है, रोग प्री मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमारी मछली में रोग न लगे, हम क्या यूज करें, पॉइंट सेवर यूज करें, पॉइंट मास्टर यूज करें, विटामिन सी यूज करें, क्या करें, यह आपको पहले पता होना चाहिए। इमरजेंसी की मेडिसिन आपके पास में रहनी चाहिए। जैसे सर ने 3 ब्लोअर लगाए हैं,
रूट ब्लोअर। तो सर का कहना, मैंने सर से पूछा कि सर आपने 3 ब्लोअर क्यों लगाए, तो सर ने कहा कि 2 ब्लोअर हमने एक्स्ट्रा रखे हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, बैकअप के लिए, बफर में हमने रखे हैं। ये किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए। इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। आशा है आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही होनहार शख्सियत से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपका नंबर चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सर का आप नंबर या सर का ईमेल आपको मिल सकता है। जैसा भी सर के पास समय होगा, सर उस हिसाब से आपको आपका इस सुझाव को सर खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे और हो सकता है आपको अच्छा सुझाव भी दे जो शायद हम न दे सके। इसलिए हिम्मत मत हारिए और बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्टडी करके, बहुत R&D करके तब इस फील्ड में आइए, आइए और पैसे कमाइए। जागो किसान जागो, जागो किसान जागो। थैंक यू।